जहां पूरे हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज है, वहीं पुंडरी विधानसभा के क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे, जो कि नवीन जिंदल के लिए वोट की अपील करने आएंगे। लेकिन उससे पहले नवीन जिंदल से कुछ महिलाएं हैं जो पुंडरी विधानसभा के अंदर आती हैं, उन्होंने अपनी मांग पत्र दी, अपनी शिकायत दी है। पिछले 7 महीने से अपनी मांग को लेकर जो इनके साथ एक बैंक में जो बैंक मित्र बैठा होता है उसके द्वारा धोखाधड़ी का मामला है, जिसको लेकर लगातार चौकियों में जा चुके हैं, एसपी महोदय के पास जा चुके हैं, डीएसपी के पास जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसको लेकर आज जो भाजपा के प्रत्याशी हैं नवीन जिंदल जो मैदान में है, उसको लेकर चुनाव में वोट मांगने के लिए पुंडरी की जो अनाज मंडी है उसमें पहुंचे थे, जहां इन महिलाओं द्वारा नवीन जिंदल से बातचीत की गई और उसके द्वारा क्या आश्वासन दिया उसको लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन पूरा मामला क्या था उसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? सरोज जी। अच्छा, क्या पूरा मामला, पहले मामला बताइए। सर, जिस तरह बैंक में चले जावे थे ना, गुंठे लुआ ले रहा, नु कह देगा सर्वे डाउन चल रहा, गुंठे लुआ को माना गरम भेज देता, नु कह देगा दोबारा आई। तो कितने के महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है? 50-60 मेंबर हैं सर, मम सारे। तो कौन सा बैंक है जिसके अंदर वो व्यक्ति बैठा था जिसने काउंटर लगाया हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी SBI बैंक था? SBI बैंक था, कभी कलने मन्ने वो कहते भी SBI? नहीं, SBI बैंक था। कहाँ पे उसकी शाखा? यावरी है जी, कृष्णा मार्केट। अच्छा, पुंडरी बस स्टैंड के पास ही है। अच्छा, तो क्या आप कितने पैसे की मामले है, कितने पैसों की ठगी आप लोगों के साथ? 1 करोड़ के करीब। 1 करोड़ की ठगी आपके साथ हुई और पुलिस विभाग के आसपास शिकायत? सारा को धक्के खा लिए सर, हमारे कड़ी भी सुनवाई नहीं, सुनाई नहीं, कहीं भी नहीं सुनाई हुई। तो क्या कहते हैं वो लोग? वो तो लोग कहते हैं कि हो जाएगा, कर रहा आज तक कोई नहीं अभी कर रहा है। तो बैंक वालों से मिले, बैंक के जो मैनेजर है उनसे मिले? जी, मैनेजर से मिले। तो कहते हैं कि दारू पी के आए हो यहाँ पे बात करने के लिए? महिलाओं को दारू ले पीने की बात कहते हैं? नकली प्रोडक्ट बना के ये देखिए, ये वो भी चोरियों का खेल गई थी मेरी जी, चोरियों का खेल गई थी। हर बड़े बैंक में पैसे थे, उठे थे, कुछ उसने आप बिगाड़ लिए थे, कुछ मानना जमा करे थे सर, फिर उसने बकाया कुछ नहीं मारा। पुलिस क्या कह रही है? कुछ नहीं कर रही। पूछ के पैसा दिया था, शिकायत वगैरह दी गई थी। मेरा भी 5 लाख रुपया विशाल वालिया 10 दिन को नाम लेके ले गया था, मैंने अपनो जेवरात दरकिन मैंने दे दियो, गरीब देऊ ना जी, दारू पी पी मेरा घर में मौत आ रहा है, मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा था, कोई मतलब नहीं। चलिए, अभी अभी नवीन जिंदल से आप लोगों ने बातचीत की है, तो नवीन जिंदल ने क्या कहा? या तो नुकारा ना, ये हम तो कुछ नहीं कर सकता, कार्रवाई हुआ, कार्रवाई के आश्वासन दिया है, मतलब उम्मीद है कुछ करवा देगा। अब नवीन जिंदल के पास तो पहली बार शिकायत गई है ना? हाँ जी, उन्होंने आपकी बात तो सुनी है। हाँ, सुनी तो है, सुनी तो फिर पूर करेगा जी थी तो सर, सर हम वोट दिया, हम कहो ना वही वोट देवा, और किसी को काम काट दियो, मतलब किसी को काम चला दियो पैसा दे की, तो यो थोड़ी अभी अपनी आत्मा मोस मोस की पैसा दिया था, उनको किस तरह भगवान भलो करेगा, मतलब पैसा लेके बात नहीं। जिंदल ने क्या कहा? दरखास्त नहीं, 5 मिनट को नहीं हो, ये भी मैं सुनाई करूंगा। इब तो कह दिया ताकि हम जरा भी जावा और ये माना न्यू आवा न्यू का इब घड़ी घड़ी को करो करा सारे थाने आने भी और यो बैंक वाला भी यो न्यू कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू कर सकता हूँ, मां नजीर के देते का बाहर तो बैंक में कोई जो व्यक्ति बिठा रखे तो बैंक के हिसाब से ही बैठा होगा। हाँ। बैंक ने बिठा रखा है, गोलन के पास भी गया है, गोलन ने कहा अभी मेरे तक उसे पूछ कर दिए थे पैसे थाने। अच्छा, गोलन साहब ये कहते हैं कि मुझसे पूछ कर पैसे? हाँ जी, एक बात आप सुन लीजिएगा गोलन साहब, अब आने वाली विधानसभा में आप वोट मांगने जाएंगे तो क्या लोग आपको वोट दे देंगे? आप वोट मांगने तो जाओगे, लेकिन आप दोबारा जब इनको काम आपसे पड़ता है तो आप ये कहते हो कि क्या मुझसे पूछ कर दिया था जी? यो कवे को अपना लालच में दिया था, तुमने पैसा दिया था तो कोई झूठ बोल के पैसा ले जाओ, आपके भीतर में क्या है, हमने क्या पता, हम तो बैंक में पैसा देने गए थे। नहीं, चलिए आप मेरा नंबर नोट कीजिए और बैंक में पहुंच के मुझे फोन कीजिए, मैं देखता हूं कौन जो व्यक्ति है जो न्यूज नहीं चलने देगा। चलिए, देखना ये होगा क्या नवीन जिंदल इनकी समस्याओं का निदान कर पाएगा, क्या नवीन जिंदल इनके जो 1 करोड़ रुपए लेकर जो व्यक्ति ठगी मार कर चला गया कौन जिम्मेवार है, क्या प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन बैंक मैनेजर का रवैया इस तरह का है
अगर बैंक मैनेजर की अगर भी जांच की जाए तो कहीं ना कहीं उसका भी हाथ जो इसके अंदर शामिल हो सकता है। लेकिन अब जांच का विषय है, हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पिछले 7 महीने से लगातार ये महिलाएं दर दर की ठोकरें खा चुकी हैं, पुलिस विभाग के पास जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मिला तो मिला क्या आश्वासन। लेकिन हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि इन महिलाओं को जो 1 करोड़ रुपए जो खून पसीने से कमाई हुई रकम है जिन्होंने बैंक को बैंक में डालने के लिए दी गई थी वो निकाल ली गई। कितना मतलब है, मंत्री बन लिया, किसी का आगे कोई डिमांड नहीं करी थी, आज यह विपदा पड़ गई तो हम डिमांड करा, हमारी बेइज्जती समझे, बेइज्जती कर करके मारी और निकाल लग रहा था धक्का मार के। चलिए मेरा नंबर नोट करो और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इन महिलाओं को इंसाफ दिला सके और इनके खून पसीने की जो पैसा बैंक में जमा किया था और वो एक बैंक मित्र के माध्यम से ठग लिया गया उसको वापस ला सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दो है सर। हाँ जी, दो है। चलो जहाँ भी जाना पड़ेगा हम आपके साथ हैं। चलिए कैथल टीवी मुहिम लेकर चलेगा और इन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए कदम बढ़ाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिला प्रशासन से भी हमें रिक्वेस्ट है कि जिला प्रशासन आदरणीय पुलिस विभाग जरा इनकी ओर गौर फरमाइएगा और इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, इनके साथ जो ठगी हुई है उसकी जांच कीजिए ताकि इन महिलाओं को न्याय मिल सके। इस वीडियो को शेयर करें और इन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमारी इस मुहिम के अंदर शामिल हो।